नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर रोज़ाना 3 लाख लड्डू का प्रसाद बनता है। जी हाँ, 3 लाख लड्डू। तो चलिए जानते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां प्रसाद के रूप में रोज़ाना 3 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। 300 साल से भी ज़्यादा समय से ये प्रक्रिया चालू है और मंदिर जो है वो तिरुपति के मंदिर में ये लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में अक्सर आपको भीड़ मिलती है, इसलिए यहाँ पर एक खास सुविधा उपलब्ध रहती है जो कम समय में जल्दी दर्शन आपको करवा देते हैं। दरअसल इस मंदिर में दर्शन के दौरान 300 रुपये का एक शीघ्र दर्शन वाला टिकट आप ले सकते हैं और उसके साथ आपको 2 लड्डू मुफ्त वहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं जो लोग लाइन में खड़े रहते हैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वो लड्डू ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी लड्डू ले सकते हैं और अगर आप विशेष पूजा करना चाहते हैं तो आप 300 रुपये का देकर शीघ्र दर्शन वाली लाइन में भी लग सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं और नहीं ज़्यादा देर खड़े रह सकते क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है तिरुपति बालाजी के मंदिर में, तो आप 300 रुपये देकर शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू का इतिहास 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी खास बात यह है कि ये कई दिनों तक खराब नहीं होता और आप कुछ दिनों तक इसे आराम से खा सकते हैं। मन में सवाल आता है कि ये लड्डू जो आप वहाँ पर हमें मिलता है, ये लड्डू की कीमत कितनी होती है? इस लड्डू की कीमत 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक है, इसलिए यहाँ आए सभी लोग इस लड्डू को अपने प्रसाद में शामिल ज़रूर करते हैं। एक खास रसोई में ये लड्डू तैयार होते हैं। बालाजी में चढ़ने वाले लड्डू एकदम ताज़ा होते हैं। हर दिन यहाँ करीब 3 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं, इसलिए लड्डू बनाने के लिए एक खास जगह तय की गई है। साथ ही इसके बनाने के जो रसोइये हैं वो भी अलग हैं। इस खुफिया रसोई को पोटू कहा जाता है। यहाँ केवल मंदिर के पुजारी और खास लोग ही जाते हैं। यहाँ सबके जाने पर पाबंदी है। इस रसोई की कुछ खास बात यह है कि साफ सफाई का खास ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लड्डू की सुरक्षा भी बहुत कड़ी होती है। सबसे ज़्यादा रोचक बात यही है कि लड्डू का प्रसाद तैयार होने पर एक सुरक्षा रहती है और उस लड्डू को एक सुरक्षा दायरे से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें सुरक्षा कोड और बायोमेट्रिक विवरण जैसे चीज़ें मौजूद रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड्डू जो है सिंपल प्रोसेस रहता है। अब लड्डू बनाने की थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं कि लड्डू जो है वो किस तरह से बनता है। इस लड्डू की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और जगहों के लड्डू से। बेसन, किशमिश, मक्खन, काजू, इलायची का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसका वजन 174 ग्राम तक होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे घर पर जो बनाते हैं उसमें वो जैसा स्वाद हासिल नहीं होता जैसा कि मंदिर में जो लड्डू तैयार होते हैं उसका स्वाद होता है। या तो कह लीजिए कि कृपा मिलती है। तो अगर आप अगली बार तिरुपति बालाजी जा रहे हैं तो ये लड्डू ज़रूर खाएं और अगर अभी तक आप उसमें घूम आए हैं तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपने ये लड्डू खाया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कैसा स्वाद था और कैसा एक्सपीरियंस था। दोस्तों, इसके साथ मैंने आपसे पहले बहुत पहले गुजारिश की थी कि अगर आपके शहर में भी कोई प्रतिष्ठित मंदिर है या धर्म स्थान है
और आप हमें उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वहाँ का एक छोटा सा वीडियो बनाकर भी हमें दे सकते हैं, जिसमें आप उसमें बता रहे हो कि ये मंदिर का इतिहास ये है। अगर हमें वो वीडियो पसंद आएगा तो हम अपने चैनल में आपको फीचर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।